नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। प्रतापगढ़ स्थित महादेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज महादेव नगर पट्टी प्रतापगढ़ में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण समारोह आज संपन्न हुआ। आपको बता दें, यह प्रशिक्षण नैतिक, सामाजिक, स्वशिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान को प्रेरित करता है। इस प्रशिक्षण में जिले से आए हुए स्काउट गाइड के जिला ट्रेनर आयुक्त संजीव शर्मा, उनके साथ सहयोगी के रूप में मनोज कुमार विश्वकर्मा, विजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, विकास यादव, दीपक बर्णवाल, इस टीम में महिला सहयोगी के रूप में दीपिका बर्णवाल, सभा मानो के सहयोग से स्काउट गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया गया। 3 दिन का शिविर चला। तीसरे दिन समापन समारोह में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत, विद्यालय के प्रधानाचार्य के कुशल नेतृत्व में सभी अतिथियों का अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया गया। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ आज ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है स्काउट गाइड का, आज ये समापन का कार्यक्रम है, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये हमारे विद्यालय का ऐतिहासिक क्षण है और 3 दिवसीय सफलतापूर्वक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई जिला आयुक्त प्रमोद तिवारी साहब का, जिला सचिव डॉक्टर राघवेंद्र पांडे जी का, सहायक सचिव अनुपम ओझा जी का, कि जिनके सहयोग से एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और भूल भूल प्रशंसा करता हूँ संजीव शर्मा जी का, जिला प्रशिक्षण आयुक्त जो रहे हैं। 3 दिनों तक इन्होंने अथक प्रयास करके हमारे बच्चों में कौशल विकास किया, उन्हें स्काउट गाइड की महत्ता बताई और इसी के साथ आज ये समापन समारोह कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। जी सर, आप जिले से आए हैं, जिला कमिश्नर हैं आप, तो हमारे यहाँ इस विद्यालय में आए हैं आप, तो आपने बच्चों को देखा और बच्चों में क्या पाया? 3 दिनों की इस ट्रेनिंग के पश्चात बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और आपस में सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ टीम वर्क में कैसे काम किया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी लिया। आपदा में किस तरह से बाकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये भी बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा और जो इन लोगों की प्रस्तुति रही वो बहुत अच्छी रही। और हम जिला संस्था की तरफ से बच्चों को और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय हिंद जय भारत। सर, आप सहायक जिला कमिश्नर हैं, आप भी बताएँ क्या देखें यहाँ? यहाँ 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर हुआ, ये प्रथम सोपान का शिविर है, बच्चे स्काउटिंग से इसमें परिचित होते हैं और इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बच्चे अनुशासन में रहते हैं, एक कामरेडशिप डेवलप होती है और बहुत कुछ इनका स्किल का डेवलपमेंट होता है। ट्रेनर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा इनको प्रशिक्षण दिया गया। धन्यवाद। बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र में, अपने इस विद्यालय में आयोजित किया और इससे बच्चों में संस्कार उत्पन्न होता है, बच्चे स्वावलंबी बनते हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है और विशेषकर अनुशासन और टीम स्पिरिट की भावना उनमें उत्पन्न होती है। हमने यहाँ आकर देखा कि विद्यालय के स्टाफ ने अच्छे ढंग से बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहयोग किया और बच्चों की इतनी अधिक संख्या देखकर मन हमारा अत्यंत प्रसन्न है। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय सेठानी जी ने जो सपना देखा था विद्यालय और क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों में संस्कार के विकास के लिए, वह सपना जो है साकार होता लग रहा है और आगे भी हम लोग इस प्रकार के काम का आयोजन करके अपने बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जनपद संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव शर्मा जी, आप जिले से आए हैं, ट्रेनर हैं जी, और आज 3 दिन का कार्यक्रम चला है, आप बच्चों को सिखाए हैं, क्या प्रशिक्षण दिए, कैसे हुआ? ये जो प्रशिक्षण सर होता है जगतशील प्रशिक्षण विद्यालय में, पूरे बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शासन से आदेश है। इस ट्रेनिंग में अगर हम कम शब्दों में कहें तो जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आर्थिक और सामाजिक, इन सारे विषयों पर इनको प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों के अंदर वो इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता उनके अंदर है, बस उनको सही मार्गदर्शन करा दिया जाए, यही बच्चे आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। ट्रेनिंग का मकसद यही है कि उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करना और एक समाज, देश के लिए एक अच्छा नागरिक तैयार करना, ये इसका मकसद है। थैंक यू, हमारी पूरी टीम इसमें बड़ा अच्छा सहयोग किया है, जिसमें मनोज विश्वकर्मा जी, विजेंद्र विश्वकर्मा जी, विकास यादव जी, दीपिका बर्णवाल जी और सभा मानो जी, दीपक बर्णवाल जी, सब मिल करके बहुत अच्छा इनका कॉपरेट रहा हमारी टीम के साथ और इस विद्यालय के बच्चों में
बहुत ही अच्छा प्रतिभा है, बहुत अच्छा इनके अंदर उत्साह रहा है इस कार्यक्रम के दौरान। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं जो कि जो बच्चे कभी घर में एक गिलास पानी लेकर के नहीं पिए होंगे, आज वो बच्चे यहाँ पर खाना बनाते हुए दिखाई दिए, वो बच्चे अपना आशियाना बनाते हुए दिखाई दिए। इनके अंदर बहुत सारी क्षमताएँ हैं, बस हमें सही समय पर इनको सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। हम सभी अभिभावकों से, सभी विद्यालय के अध्यापकों से और सभी पदाधिकारियों से मेरा ये सुझाव है, निवेदन है, जितना हो सके अधिक से अधिक अपने बच्चों को स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम में उनको प्रतिभागिता कराएं, जिससे कि उनके अंदर एक कौशल का विकास हो, जिससे वो समाज के लिए एक अच्छे नागरिक तैयार हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।